दोस्तों, अपने देश में बेशक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी चलती हैं। यूनिवर्सिटीज बनती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेक्शन 2F में 1956 का जो UGC एक्ट बोलता है उसके तहत, और जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। जैसा मैंने पहले कई बार आपको बताया कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG कोर्सेज में, साथ में PhD में एडमिशन लेती है। टोटल मणिपुर में देखा जाए टोटल ही 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। लगभग हमने इन 5 पर ही वीडियोस बनाई है, पर बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी पर कई बार हमारे पास कमेंट्स आए कि इस यूनिवर्सिटी पर PhD चलता है, काफी सारे स्ट्रीम्स में एडमिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी को हम UGC पर कहां पर चेक करें। बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी, हालांकि अभी रिसेंट में ही, ज्यादा पुरानी नहीं है यूनिवर्सिटी, ये 2020 में ही यूनिवर्सिटी बनी है, कैंपस कहां पर है, ऐसे बहुत सारे सवाल। क्योंकि आप स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में रहते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं मणिपुर में, थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसीलिए बहुत सारे डाउट्स आपके दिल में होते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं BN मिश्रा जी, उनकी डिटेल्स हैं, साथ में ही VC साहब के नाम क्या है, क्या मेल ID है, रजिस्ट्रार साहब कौन है, ऐसे कई सारे सवाल, सभी के जवाब दूंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बताऊं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी UGC पर कहां रैंक करती है। क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी के पास UGC का अपडेट नहीं, मतलब UGC से एफिलिएट नहीं, अप्रूवल नहीं, तब तक वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC पर यूनिवर्सिटी का लिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। साथ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो फेक है, उनकी लिस्ट खुद UGC ने बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यहां पर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो यह इंटरफेस खुल जाएगा पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को आप जब देखेंगे तो यहां पर यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज के टैब में जाएंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट के नाम वहां पर लिखे हुए आ जाएंगे, किन किन स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। वहां पर जाने के बाद में आप जब मणिपुर पे आप दोस्तों क्लिक करते हैं, तो मणिपुर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने टोटल 5 यूनिवर्सिटीज दोस्तों खुलती हैं। हालांकि इन 5 यूनिवर्सिटीज पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, पर बीर तिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी पर बहुत सारे जो आपके डाउट्स है क्लियर करूंगा अपनी इस वीडियो में। यूनिवर्सिटी 2020 में बनी है, 26 मार्च 2020, मतलब यूनिवर्सिटी को अभी 2-3 साल ही टोटल हुए हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों कौन सी है, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है बीर तिकेंद्रजीत university.ac.in। इसी वेबसाइट पर ही आप रिलाई करें, इसी वेबसाइट पर ही भरोसा करें, बाकी किसी वेबसाइट पर आप अपना रिकॉर्ड देखते हैं तो भरोसा बिल्कुल ना करें। और डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी की जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डली हुई है वो अपडेट है, साथ में ही VC इन्फॉर्मेशन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के कौन है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, मतलब जो चांसलर है, वो है BN मिश्रा जी, बट बाकी जो VC साहब की डिटेल आपको मिलेगी वो यहां से मिलेगी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AK चौधरी, और साथ में ही इनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। रजिस्ट्रार साहब कौन है, डॉक्टर JP शर्मा जी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी मेल आईडी भी मेंशन है UGC की वेबसाइट पर, साथ में फोन नंबर भी मेंशन है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में होती है तो दोस्तों, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, आपको निसंकोच यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है,
गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मोटिवेट होकर हम अलग अलग तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।